भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोरोना के पहले दौर में पिछले साल जहां केजीएमयू में हजारों कोरोना मरीजों का इलाज हुआ था, वहीं इस बार कोरोना की दूसरी लहर में यहां ऐसी दहशत मचाई है कि इलाज करने वालों को खुद इलाज की जरूरत पड़ गई। केजीएमयू के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केजीएमयू के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं तो यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टरों में कोरोना का संक्रमण मिला है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में भी 3 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कोरोना के संक्रमित होने के बाद एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर खुद इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु कोरोना संक्रमित पाए गए। हम आपको बता दें कि कुलपति विपिन पुरी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले भी उन्हें कोरोना हो गया था। और कोरोना संक्रमित डॉक्टरों में सर्जरी विभाग के 20 डॉक्टर, इसके अलावा यूरोलॉजी विभाग के 9 डॉक्टर संक्रमित बताए जा रहे हैं और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के भी 3 डॉक्टर संक्रमित मिले हैं। केजीएमयू के संक्रमित डॉक्टरों के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से ज्यादातर डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। ज्यादातर डॉक्टरों को 25 मार्च को ही वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई थी। वैक्सीन की दोनों डोज से लग गई हैं, लेकिन प्रॉपर समय भी नहीं हुआ कि एंटीबॉडीज बने, और तो अगर इसमें संक्रमण होता है तो प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं डेवलप हुई होती है, ऐसे में संक्रमण होने का खतरा रहता है। लेकिन ये देखा गया जिनको वैक्सीन लगी है और साथ में कुछ प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है, तो ऐसे लोगों में संक्रमण का जो तीव्रता होती है मैग्नीट्यूड का नहीं होता है, और ज़्यादातर लोगों में सुधार जल्दी आ जाता है। केजीएमयू ही नहीं, लखनऊ के दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएमएस और एमएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अस्पताल के 2 और डॉक्टरों समेत कुल 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर आरके धीमान और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लखनऊ ही नहीं, पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल के 17 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में ये जानकारी खुद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने दी। तरह से यहाँ मरीजों के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशंस जारी रखे, जिस तरह से हमने ओपीडी सर्विसेज जारी रखी, तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मरीज संक्रमित था, मरीज के रिश्तेदार संक्रमित थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलने आ रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मरीज को संक्रमित कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज को उन्होंने संक्रमित किया और इस वजह से संक्रमित। डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने का सिलसिला यूपी से बिहार तक जारी है। बिहार में 25 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना मेडिकल कॉलेज, एएमसीएच, वैशाली और बिहार शरीफ के अस्पतालों में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।